प्रिय भैया बहनों नमस्कार। हम कक्षा 10वीं में हिंदी क्षितिज काव्य खंड के पाठ 2 तुलसीदास जी का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में तुलसीदास जी की चौपाइयों का बड़े सुंदर ढंग से अनुवाद किया। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में परशुराम और लक्ष्मण के मध्य हुए संवाद को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। पूर्व में हम 5 चौपाइयों का अध्ययन कर चुके हैं, आज 6ठी चौपाई यानी 6ठे पद का हम अध्ययन करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में पद नंबर 6 को देखिए। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पितई उरिन भैनी के गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माते काड़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा, भरगुवर परसु देखा वहु मोही विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही, मिले न कबहु सुबट रन गाड़े दिजे देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सैन ही लखन ने वारे, लखन उतर आहुति सरस भर्गुबर कोप कृसानु, बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है कि यहाँ लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम जी पर कठोर व्यंग बाणों की वर्षा की है। इससे दुखी होकर परशुराम जी लक्ष्मण को मारने दौड़े और उसी क्रोधावेश में लक्ष्मण ने भी कुछ वीर वचन कहे। इसे सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण को शांत रहने का संकेत दिया। तुलसीदास जी ने इस चौपाई में यही बताया है, कहा भी है कि कहे वो लखन मुनि सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, कहे यानी कहो। लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं परशुराम जी से कहने लगे, लक्ष्मण हे मुनि सील तुम्हारा यानी आपका आचरण स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा, यानी आपके आचरण स्वभाव के बारे में को नहीं जानता, ये सारा संसार आपके व्यवहार से परिचित है। अरे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे, हे मुनि आपके आचरण स्वभाव के बारे में सारा संसार ही परिचित है। माता पिता ही उरिन भई नीके, अर्थात अपने आप अपने माता पिता के ऋण से तो कितनी अच्छी तरह मुक्त हो गए। उऋण भय यानी ऋण से मुक्त हो जाना, नीचे यानी अच्छी तरह से। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और इसलिए अब आप पर अपने गुरु का ऋण ही शेष रह गया। गुरु ऋण, गुरु कौन थे परशुराम जी के, भगवान शंकर। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए और अब आप अपने गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष रह गया है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, और उस ऋण को उतारने की एक बड़ी चिंता आपको मन में है ना, तो आपने क्या किया उस ऋण को हमारे माथे मट दिया है। कौन सा ऋण, यानी जो भगवान शिव जी का जो धनुष भंग हो गया था और शिव जी परशुराम जी के गुरु थे। लक्ष्मण ने कहा कि यह आरोप आपने हम पर ही लगा दिया, यानी इस ऋण को सो जनु हमरे माथे काड़ा हमारे माथे मट दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ गया, यानी और अब दिन चली गए, अरे बहुत दिन हो गए, बहुत दिन चली गए, बहुत दिन हो गए, अब तक तो गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आगे कहते हैं
अब आनिए व्यवहरिया बोली, अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब गुरु के ऋण का बहुत ब्याज बढ़ गया तो अब आपकी वारदा प्रकट होती है, तो आप अपना हिसाब किताब लगा करके बता दीजिए। व्यवहारिया यानी हिसाब किताब लगाने वाला, तो खजान जो होता है यानी उसको लेकर के आइए, और तुरंत देहू में थैली खोली, यानी आप अपना हिसाब किताब लगा के बता दो कि कितना ब्याज बढ़ गया है, कितनी मूल रकम है आपकी, तो मैं अपनी थैली खोलकर अभी आपका ऋण चुका दूंगा। तुरंत देहू मैं थैली खोली, यानी मैं तुरंत ही थैली खोलकर आपका ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन कहे तो परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी ने क्या करा, वचन सुनी कटु वचन, लक्ष्मण ने कठोर वचन सुनकर के क्या करा, परशुराम जी ने कुठार सुधारा यानी अपना फरसा संभाल करके पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभी लोगों को लगा कि अब लक्ष्मण मरने वाले हैं, इसलिए सभी सभा में जो बैठे हुए थे सभासद वो सब हाय हाय करके पुकारने लगे, हाय हाय करने लगे। और जब परशुराम जी ने जब परसे को संभाल लिया, फिर लक्ष्मण फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, भृगुवर परसु देखा वो मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। नहीं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भृगुवर परसु देखा वो हूँ मोही। उन्होंने कहा कि परशुराम जी, भृगुवर, ये फरसा आप मुझे क्यों दिखा रहे हो, मैं तो आपको क्या है, विप्र विचारी ब्राह्मण जात समझ करके बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के विद्रोही, अब तक मैं आपको बचा रहा हूँ, बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ, मैं आपको एक ब्राह्मण समझ करके आपको मार नहीं रहा हूँ, आप तो राजाओं के द्रोही, राजाओं के शत्रु हैं, मैं आपको बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुमट रन गाड़े, दिजे देवता घर ही के भाड़े। उन्होंने आगे क्या कहा है, ये लगता है आपका पाला भी युद्ध भूमि में वीर योद्धाओं से, सुमट यानी वीर योद्धा, रण यानी युद्ध, तो कहा है कि आपका पाला अभी आपका सामना रणभूमि में वीर योद्धाओं से नहीं हुआ है, इसलिए हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, द्विज यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता घर ही के बाड़े, अर्थात आप अपने घर में ही प्रसन्नता से फूल रहे हो, आप ब्राह्मण देवता हो, आप घर के देवता घर में ही पूजा रहे हो, अभी आपका सामना बाहर किसी से नहीं हुआ है। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से परशुराम जी को ताने मारे, कठोर बातें करी, और तो ऐसी कठोर बातें सुनकर सभी लोग क्या कहा, अनुचित गई सब लोग पुकारे, तो जो सभा में जो सब बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने अनुचित बात कही है। रघुपति सेन ही लखनु नेवारे, जब अनुचित है तो सभी लोगों ने कहा कि अनुचित अनुचित कहा, तो राम ने अपने संकेत से सय नहीं यानी सय नहीं यानी इशारों से लखनु नेवारे यानी लखन को बोलने से मना कर दिया। नहीं, राम ने क्या कहा, जब सारी सभा ने कहा कि लक्ष्मण परशुराम जी से अनुचित बोल रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि आपका सामना योद्धाओं से नहीं हुआ, घर के देवता घर में अच्छे लगते हैं, तो सारी सभा ने कहा कि लक्ष्मण परशुराम जी से इस प्रकार अनुचित बोल रहे हैं, तो राम ने इशारा इशारों में लखन को बोलने से मना कर दिया। आएगा ही लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप संतरसानु, अर बढ़त देखी जल सब वचन बोले रघुकुल बानु। यानी उस सभा में लक्ष्मण के उत्तर, जो लक्ष्मण जवाब दे रहे थे, किसके समान थे, आहुति सरिस, आहुति यज्ञ में आहुति देते हैं हम, जो जो आहुति देते हैं तो यज्ञ की ज्वाला क्या है और अधिक भड़कती है, तो जो लक्ष्मण का उत्तर था वो भी उस यज्ञ की आहुति के समान था, जो कि भृगुवर कोप प्रसानु, जो कि लक्ष्मण भृगुवर यानी परशुराम जी के क्रोध को, कोपन क्रोध को क्रीसानु यानी यज्ञ उनके यज्ञ की ज्वाला को और भड़का रहा था, यानी जो परशुराम जी का क्रोध था वो यज्ञ की ज्वाला थी, और लक्ष्मण का जो उत्तर था वो उस आहुति के समान था जो ज्वाला को भड़काने वाला था, अर्थात
लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो तो परशुराम जी के क्रोध को और अधिक भड़का रहे थे। बड़त देखी जल समुवचन बोले रघुकुल भानु। और इस प्रकार से व्यंग बाणों से क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर श्री राम ने क्या किया, शीतल जल से, जल समवचन यानी मीठे वचन, ठंडे वचनों से क्या किया उन्होंने, जिस श्री राम ने शीतल जल के समान वचन कहे जिससे सभा में उपस्थित क्रोध की ज्वाला शांत हो गई। तो इन उपायों से हमें लगता है कि राम का जो स्वभाव है बड़ा शीतल है, ठंडा है, शांत स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण का स्वभाव क्या क्रोधी है, उग्र स्वभाव का है। तो प्रिय भैया बहनों, हमने चारों भागों में तुलसीदास जी की जीवनी और तुलसीदास जी की छह चौपाइयाँ थी उनका अनुवाद किया। इसी प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर में बोल देता हूँ, आप एक बार अपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न दिया गया है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है कि भृगुसूत से तात्पर्य है, भृगुसूत किसे कहा गया है, भृगुसूत का पर्यायवाची क्या था, अर्थ क्या था, परशुराम। यानी पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका उत्तर है क, परशुराम। दूसरा, रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है, रघुकुल भानु ने रघुकुल का सूर्य किसको कहा गया है, राम लक्ष्मण विश्वामित्र परशुराम, कौन थे रघुकुल के सूर्य, राम। तो दूसरे में भी आपका सही उत्तर है क, राम। आगे जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है कि शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, शिव जी का धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ था, सही उत्तर इसका परशुराम जी, यानी शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए। प्रश्न नंबर चार है आज पाठ्य पुस्तक में, प्रसंग में जो गाद्य सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है, गाद्य सुनु शब्द किसके लिए आया था, विश्वामित्र के लिए, यानी प्रसंग में गाद्य सुनु शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पांच, परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं, परशुराम ने लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कहा था, यानी लक्ष्मण को अपनी मृत्यु से परिवार को होने वाले दुख की चिंता नहीं थी, इसलिए परशुराम जी लक्ष्मण को मंदबुद्धि कहा। प्रश्न नंबर छह, जनक दरबार में बेटी सभा हाय हाय क्यों करने लगी, क्यों करने लगी थी, यानी लक्ष्मण की बातों से क्रोधित होकर जब परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला, यानी लक्ष्मण को मारने के लिए जब फरसा संभाला तो सभा में उपस्थित लोगों को लगा कि अब लक्ष्मण मरने वाले हैं, इसी विचार से दुखी होकर जनक दरबार में बेटी सभा हाय हाय करने लगी। इसके बाद में हमारे पास आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इन लघु उत्तरात्मक प्रश्न में यानी प्रश्न नंबर सात आपकी पाठ्य पुस्तक में, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित क्यों हो गए थे, यानी शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम क्रोधित इसलिए हो रहे थे क्योंकि सीता स्वयंवर में रखा गया वह धनुष उनके गुरु भगवान शिव का था और उस धनुष को तोड़कर राम ने उनके गुरु का अपमान किया था, ऐसा परशुराम जी समझ रहे थे, इस कारण ही उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। प्रश्न नंबर आठ, शिव का धनुष कैसे टूट गया था, आप सबको मालूम कैसे टूटा था, यानी सीता के स्वयंवर में राजा जनक के द्वारा रखा गया शिव धनुष बहुत ही पुराना था, लंबे समय तक रखा होने के कारण संभवतः वह कमजोर हो गया था या उसकी लकड़ी गल गई थी, इस कारण श्री राम के उठाने मात्र से ही, छूने मात्र से ही वह टूट गया था, श्री राम ने उसे तोड़ने का प्रयास नहीं किया था, वे तो केवल उसे उठा रहे थे। इधर आपके प्रश्न नंबर नौ है कि यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति से लक्ष्मण की वीरता और निडरता का पता चलता है क्योंकि मुनि परशुराम के द्वारा जब क्रोधित होकर बार बार लक्ष्मण को मारने की कहने पर भी लक्ष्मण के मन में किंचित भी लेश मात्र भी मृत्यु का भय नहीं था और उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी, अतः यहाँ निसंकोच और निडरता से कठिनाई का सामना करने की विशेषता प्रकट होती है। और लघु उत्तरात्मक का हमारा प्रश्न नंबर जो 10 है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद
प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए परशुराम जी के चरित्र की कौन सी दो विशेषताएं हमारे सामने प्रकट हुई है, हमने 6 चौपाइयां पढ़ी है। उसमें पहला तो क्या था कि वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, परशुराम जी कैसे थे, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। और दूसरी विशेषता कौन सी आती है उनकी, स्वयं की प्रशंसा करने वाले, यानी आप प्रशंसी, यानी अपनी स्वयं की प्रशंसा करने वाले। तो पहली विशेषता क्या थी, अत्यंत क्रोधी, यानी परशुराम जी का स्वभाव बड़ा ही क्रोधी था। वे अपने क्रोध के कारण उचित अनुचित नहीं समझ पाते थे और क्रोध कारण ही वे लक्ष्मण के अनुचित व्यवहार का शिकार बने थे। दूसरी प्रश्न, दूसरी विशेषता थी उनकी स्वयं की प्रशंसा करने वाले, यानी परशुराम जी अत्यंत ज्ञानी और वीर योद्धा थे, लेकिन वे किसी कार्य को करने से पूर्व स्वयं की प्रशंसा करने लगते थे, जो एक वीर योद्धा को शोभा नहीं देता है। तो ये हमने 10 प्रश्न हल इसके ढूंढे। अब इसकी निबंधात्मक प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इसमें आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा सार, यानी 6 चौपाइयों का जो हमने अनुवाद किया है, उस पूरे अनुवाद को एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में आपको लिखना है। 6 प्रश्नों को हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।